चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमको इतने सारे राइट मिले, कौन कौन से राइट मिले। राइट टू एजुकेशन मिला, राइट टू फ्रीडम मिला, राइट टू लिबर्टी मिला, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मिला, हर एक प्रकार के राइट्स आपको मिले। करीबन 6 फंडामेंटल्स राइट होते हैं, वो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए। अब बात आती है कि भैया सारे राइट्स आपको जब दिए गए हैं तो इन राइट्स को सिक्योर भी करना होता है। क्या करना होता है, इन राइट्स को सिक्योर करना होता है। तो इन राइट्स को सिक्योर करने के लिए राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द एवम मेंशन राइट, इन सभी के लिए एक इन्फोर्समेंट दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कभी किसी सिटीजन के कारण या हमारे फेलो सिटीजन के कारण, प्राइवेट बॉडीज के कारण, गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी हमारे राइट्स का क्या नहीं हो, खनन नहीं हो, हमारे राइट्स को कोई दबाए नहीं, इसके लिए क्या बनाया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये गारंटीड होते हैं, इसके अगेंस्ट एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एक्शन ऑफ ज्यूडिशरी। तो किसी का भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो राइट होते हैं, हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को ना कोई वायलेट कर सकता है, वायलेशन उसका पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं कि किसी ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया या करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि आपको एक कमीशन बना दी गई है, एक अलग से राइट बना दिया गया है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई खनन ना करे। फिर दूसरा बात होती है कि आप अपने राइट्स को एक्सपेंड कैसे कर सकते हो। तो आपके जो राइट्स हैं ये एक्सपेंड कब होंगे, जब आप अपने राइट्स के बारे में समझोगे, अपने राइट्स के बारे में समझोगे, जानोगे, तभी आप उसको एक्सपेंड कर पाओगे। फिर जो राइट्स का, ह्यूमन राइट्स होते हैं, इनका एक्सपेंशन जो होता है ये ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में होता है। सर हम वो बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो एक्सपेंशन होता है वो ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के फॉर्म में होता है जिसको एनमरेट किया गया है। इन राइट्स की कोई लिमिट नहीं, एक्सपेंड करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। मीन्स हम ऐसा बोलें कि इनकी कोई रेंज नहीं है कि कब से कब तक ये राइट आपके चलेंगे। जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक आपके साथ वो राइट रहेंगे, आपके जन्म से आपके मरण तक वो राइट्स आपके पास रहेंगे। मीन्स इन राइट्स को एक्सपेंड करना है मतलब आपको इनको केवल समझना है क्या कि ये राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या इनमें हो सकता है, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या लॉज होंगे। और सभी राइट्स को एक्सपेंड करने के लिए डेमोक्रेसी मस्ट हो। दस द स्कोप ऑफ राइट्स हैज बीन एक्सपेंडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम। अब ये जो राइट्स हैं इनका स्कोप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। और कुछ राइट्स होते हैं आपके पास, पता है आपको, जो न्यू राइट हैं, जो नए राइट बने हैं, भाई पहले तो ये राइट बन गए, इसके बाद भी कई सारे राइट्स बनाए गए हैं, इसके बाद भी नीड के हिसाब से बहुत सारे राइट्स बनाए गए हैं। पहला राइट क्या बनाया गया, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का जो राइट था, भाई हमको कोई चीज़ पर्सनल रखनी तो हमारी पर्सनल रहेगी, पब्लिक नहीं होगी। राइट टू एन एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग, ऐसे एनवायरमेंट का भी राइट था जो किसी के लिए हार्मफुल ना हो। एक एडिक्वेट हाउसिंग का राइट, हेल्थ केयर के राइट दिए गए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपको मिले, सफिशेंट फूड मिले, वाटर मिले, ये सारी चीज़ें भी मिले, ये सारे इमरजेंसीज भी आपको कुछ राइट दिए गए, कुछ इमरजेंसी राइट होते हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू मिनिमम लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी,
क्या इन्हें फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता था? ये आप लोग को बताना है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू वर्क, राइट टू मिनिमम लिवलीहुड, ये जो राइट्स हैं क्या ये राइट्स फंडामेंटल राइट्स के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक के साथ आपका पूरा चैप्टर फिनिश, मींस आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ये हमारा लास्ट चैप्टर था डेमोक्रेटिक राइट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।